हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। तो जो वीडियो मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूं, मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए जिसका टॉपिक था मनी मार्केट, क्योंकि ये जो वीडियो आज की है ये उसी से रिलेटेड है। और जब आप इस वीडियो को देखें तो आपका बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए, तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेटर नॉलेज मिल पाएगी। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं उसका कुछ एक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था कि यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लिक्विड ट्रेड होते हैं, क्योंकि उनका जो लिक्विडिटी पीरियड होता है वो एक साल या उससे कम का होता है। अब यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रोडक्ट जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यहाँ पर एक साल या उससे कम के लिए होते हैं। और जो मेन, जो सबसे फेमस और जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं लोगों के बीच में, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स है वो है ट्रेजरी बिल। अब जो ट्रेजरी बिल होता है मनी मार्केट में, उसको लोग ज़ीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जितने भी कूपन बॉन्ड्स हैं या फिर ट्रेजरी बिल्स हैं उनका मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग टाइम के हिसाब से होता है। जनरली ये 14 डेज़ के हिसाब से भी होते हैं, 91 डेज़ के हिसाब से भी होते हैं, 182 डेज़ के हिसाब से भी होते हैं और 364 डेज़ के हिसाब से भी होते हैं। क्योंकि ट्रेजरी बिल्स में मनी मार्केट के अंदर जो ईयर हम कैलकुलेट करते हैं उसमें 365 डेज़ कैलकुलेट ना करके हम 364 डेज़ को कैलकुलेट करते हैं। अब जो 14 डेज़ के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उसमें जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 14 डेज़ का होता है, ठीक है। और ये जो जितने भी ऑक्शंस होते हैं 14 डेज़ वाली ट्रेजरी बिल्स के, वो जनरली फ्राइडे को होते हैं और हर वीक होते हैं। इसमें जो ऑक्शन का जो लिमिट होता है या जो टारगेट होता है गवर्नमेंट का, वो होता है 100 करोड़ अचीव करना। यानी कि जब आप ऑक्शन लगाएंगे तो उसमें उनको मिनिमम 100 करोड़ का टारगेट अचीव करना होता है। अब जब आप ऑक्शन लगाएंगे तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो अमाउंट है वो 25,000 या उसके मल्टीप्लाई में हो, यानी कि 25,000 हो या फिर 50,000 हो या 75,000 हो, इसके बीच में अगर आप कोई अमाउंट लेंगे तो वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब जो 91 डेज़ वाले ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो भी हर वीक और हर फ्राइडे, मतलब वीक में जो भी फ्राइडे होता है उस पर उनकी ऑक्शन होती है। लेकिन जो 182 डेज वाले जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनका जो ऑक्शन होता है वो नॉन रिपोर्टिंग वीक में होता है और वेडनेसडे को होता है। अब जो नॉन रिपोर्टिंग वीक है, अगर मैं उसको आपको बताऊँ तो यानी कि जब भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को या कोई भी गवर्नमेंट अपने इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में लाती है तो उसके लिए एक निर्धारित एक टाइम पीरियड रखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि जितना भी डाटा कलेक्ट हो रहा है उसको उस वीक में जाके रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वीक। तो अगर नॉन रिपोर्टिंग वीक है तो वहाँ पर वेडनेसडे को वो ऑक्शन होगी। और जो 364 डेज़ वाले ट्रेजरी बिल्स हैं उनका ऑक्शन हर रिपोर्टिंग वीक में अल्टरनेटिव वेडनेसडेज को होता, यानी कि इस वीक हो गया वेडनेसडे को, फिर नेक्स्ट हम नहीं करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट पे जाके करेंगे, ठीक है। तो ये इनका ऑक्शन पीरियड होता है। अब जो 364 डेज़ वाले जो ऑक्शन होती है उसमें जो टारगेट होता है गवर्नमेंट का वो 500 करोड़ को अचीव करना होता है। बाकी जितने भी ट्रेजरी बिल्स मैंने बताए उसमें जो टारगेट होता है वो 100 करोड़ अचीव करना होता है। अब ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं इसमें जनरली क्या होता है कि आप जब अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे या उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जब ट्रेजरी बिल मिलेगा ना तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। मान लो आपने 25,000 के लिए इन्वेस्टमेंट लगाई, लेकिन 25,000 जो होगा वो उसका रिडम्पशन अमाउंट होगा। एक्चुअल में जो आपको अमाउंट पे करना होगा हो सकता है वो 23,000 हो, 20,000 हो। तो इसमें आपका जो मार्जिन होगा वो होगा बेसिकली इंटरेस्ट का, यानी कि आपने डिस्काउंट पे ख़रीद लिया और एट पार पे वो आपका रिडीम हो गया, तो बीच में जो गैप आया वो आया उसके इंटरेस्ट का। जो दूसरा बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट में वो है कमर्शियल पेपर्स। अब जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ या जो जिनका पेड अप शेयर कैपिटल काफ़ी बड़ा है वो कंपनीज इसको इशू करती हैं, लेकिन ये अनसिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्योंकि मार्केट में कंपनियों की इतनी गुडविल है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाकर उसको रेगुलेट नहीं करना चाहती है, इसलिए उसको अनसिक्योर्ड कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जनरली 15 डेज के अंदर अंदर मैच्योर हो जाते हैं, और अगर मैक्सिमम हम जाएँ तो वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो आपका ऑप्शन लगता है और जिसमें आप मनी अपना मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं वो जनरली आपका
वही ट्रेजरी बिल वाली लिमिट होती है 25,000, और अगर हम शॉर्ट टर्म पीरियड वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे जाएं तो वो हो सकता है 15,000, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट्स है वो है डिपॉजिट सर्टिफिकेट। अब डिपॉजिट सर्टिफिकेट क्या होते हैं, जनरली आपने अपने बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं मनी मार्केट से रिलेटेड, उसमें आप अपने खुद के डिपॉजिट डाल रहे हो, या फिर बैंक को जब नीड होती है, क्योंकि कई बार होता है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो काफ़ी कम मात्रा में आते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी जो क्रेडिट की नीड है या जो क्रेडिट लोग मांग रहे हैं बैंक से वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो उस बेसिस पे बैंक्स क्या करते हैं, डिपॉजिट्स को इशू करते हैं, उसके ऊपर अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम डिपॉजिट सर्टिफिकेट कहते हैं, उनको इशू करती है। तो इसमें क्या होता है, कई बार बैंक जो हैं अपने दूसरे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके बीच में इंटर कॉरपोरेट लोन्स की तरह आपस में भी डीलिंग कर लेते हैं कई बार, लेकिन जब ये नॉर्मल हम जैसे इन्वेस्टर्स या नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में आता है तो वहाँ पर जो होता है वो एक तरीके से सर्टिफिकेट के फॉर्म में आपको इशू किया जाता है। अब ये जो सर्टिफिकेट है वो दो तरीके से ट्रेड हो सकता है, या तो आप प्राइमरी मार्केट से भी ले सकते हैं और सेकेंडरी मार्केट से भी ले सकते हैं, और आप डीमेटरलाइज्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं इसको, और मैनुअल फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है जो फेमस है मार्केट के हिसाब से और लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है कमर्शियल बिल्स। अब कमर्शियल बिल्स में क्या होता है, जब भी आप कंपनीज या कोई भी फर्म या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कोई परचेज करती है तो बैंक के बिहाफ पे जो बायर होता है वो एक डेट एक फिक्स कर देता है कि भाई इस डेट को मैं अपना जो पेमेंट है वो सेलर को कर दूंगा, और बैंक उस गारंटी के तौर पर आपको एक कमर्शियल पेपर, वो मतलब एक कमर्शियल बिल आपको जनरेट कर देता है। अब अगर आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट पे ना करके आप अपना कमर्शियल बिल जो है वो पहले ही मैच्योर करा लेंगे, तो आप बैंक में जाके उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर बैंक वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जो बिल है आपका वो डिस्काउंटेड रेट पे आपका मैच्योर हो जाएगा, और डिस्काउंटेड रेट पे ही आपको जो बाइंग अमाउंट थी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाएगी। तो ये कुछ पांच कैटेगरी थी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की जो आज हमने डिस्कस करी है, लेकिन मैं अब भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी पिछली वीडियो जो थी मनी मार्केट को उसको देखें, तब इस वीडियो को देखें, ताकि ये जो पूरा एक चैप्टर हम सेकेंड वीडियो और ये जो हमारी आज की वीडियो है इसमें कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आप एक फुल और प्रॉपर नॉलेज यहाँ से ले सकें। और आने वाली वीडियोस के लिए अपने दोस्तों को हमारी वीडियोस शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले टाइम पे हम और भी अच्छे एफर्ट्स लगा के वीडियोस आपको देते रहें। थैंक यू।